भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 1। गोचारण लीला से ही मैं थोड़ा सा बोलूँगा। हमारे प्रभु जी मुझको बोले थे, पहले बोले कि ब्रज महिमा, इसके बाद गोचारण, फिर कल बोले कि जो इच्छा वो सुना दीजिएगा। तो मैं कहा कि ठीक है, जो इच्छा है वही सुनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं देखता हूँ क्या सुना सकता हूँ। तो 1 घंटा बोलना है ना मुझे, ठीक है, 9 बजे तक। श्री शुकवाच ततश्चपो गण्डवयः श्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः श्री शुकवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तब, च तथा, पौगंडवयः पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष तक, श्रितौ प्राप्त करके, ब्रजे वृंदावन में, बभूवतो बन गए, तौ दोनों, बलराम तथा श्री कृष्ण, पशुपाला ग्वालों के रूप में, सम्मतौ नियुक्त, गाह गायें, चारयन्तौ चराते हुए, सखिभिः समं अपने मित्रों के साथ साथ, पदैः पाँवों के चिन्हों से, वृंदावनम श्री वृंदावन को, पुण्यम पावन, अतीव अत्यंत, चक्रतु उन्होंने बना दिया। भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन को पवित्र बना दिए, अतीव। ऐसे तो वृंदावन पवित्र है ही। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। इसी प्रसंग पर मैं अभी अभी श्रीधाम मायापुर में 7 दिन कथा किया, लेकिन अभी यहाँ 1 घंटा का समय है, थोड़ा सा मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। पहले तो हम लोगों को ब्रज के विषय में जानना चाहिए कि ब्रज है क्या। तो ब्रज का अर्थ बहुत होता है, लेकिन मुख्य अर्थ है चलना, ब्रजगतौ, चलने के अर्थ में। ब्रज में जितना ही कोई चलता है उसको अच्छा माना जाता है, बैठना नहीं है। और चलने का मतलब केवल दौड़ना नहीं। अगर आप एक जगह बैठ कर के पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो भी चलने के अर्थ में ही आता है। और देखिए, ब्रज का मतलब हुआ कि जहाँ गायों का समूह, जहाँ पर ज़्यादा गाय रहती है, वेद में कहा गया है, वेद में वर्णन है, ब्रज का मतलब है गायों का समूह, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गायें रहती हैं उसको ब्रज कहा जाता है। और दूसरा अर्थ है ब्रज का मतलब कि पशुओं का चरने का स्थान, पशुओं को चरने का जो स्थान है, जहाँ सुंदर घास हो, सुंदर वृक्ष लता पता है, उसको ब्रज कहते हैं। और एक जगह बाबा महाराज बताए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रज के सीमा केवल इतना ही नहीं है, ब्रज के सीमा के विषय में बताया गया है कि ब्रज कहाँ तक के क्षेत्र को ब्रज माना गया है, तो उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों भाग को बांट दिया गया। जैसे हम लोगों के देश को बताया जाता है कि भारत के पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, और उसके बीच का जो है वो भारत है। वैसे ही ब्रज के विषय में बताया जा रहा है कि ब्रज के जो पूर्व में है तो उसको दो भाग में बांटा गया है। ब्रज का जो पूर्व भाग है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको उत्तर पंचाल कहते हैं, पूर्व के स्थिति को उत्तर पंचाल की राजधानी बरेली, बरेली तक को ब्रज कहा जा रहा है, उसके इधर का भाग। और दक्षिण पंचाल की राजधानी जो है फर्रुखाबाद, जो हम लोग नैमिषारण्य के तरफ जाते हैं फर्रुखाबाद है, तो फर्रुखाबाद से सटा हुआ ब्रज का क्षेत्र है। ये पूर्वी भाग के विषय में बताया गया। और पश्चिम के भाग को बताया गया है कि जो अलवर है, अलवर सीमा जो राजस्थान में पड़ता है, अलवर से इधर के भाग को ब्रज में लिया गया है। और जो उत्तर है तो उत्तर जो भाग है वो इंद्रप्रस्थ से सटा हुआ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली है ना, तो दिल्ली से थोड़ा और इधर आकर के, जैसे अभी हम लोग होटल होटल को ब्रज में लेते हैं, लेकिन उसके आगे तक को भी लिया गया है। और दक्षिण, दक्षिण जो है बुंदेलखंड, तो बुंदेल ये सब सीमा है, उसके इधर का जितना भाग है वो ब्रज क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन अब वर्तमान में तो जो हम लोग ये सब ले रहे हैं तो इसके विषय में बताया। ब्रज का मतलब ही है कि ब्रजंती ही गावह जस्मिन इति ब्रजह, अर्थात जहाँ गऊ, गोपाल, गोप और गोपियाँ, यहाँ पर गऊ और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गोपाल, गोप, ग्वाल बाल और गोपियाँ जहाँ पर विचरण करती हैं उसे ब्रज कहा जाता है। अर्थात भगवान के भक्त जहाँ पर विचरण कर रहे हैं, गोप का मतलब भगवान के सब भक्त हैं, तो वे लोग जहाँ विचरण करते हैं, घूमते हैं, उसी को ब्रज कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने मूल श्लोक पर आते हैं कि भगवान कैसे गिर गया। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। ततश्च पौगंडवयः श्रितौ ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। तौ पौगंडवयः श्रितौ, तौ माने वे दोनों, भगवान श्याम सुंदर और बलराम, वे दोनों जब छठे वर्ष में प्रवेश किए, पौगंडवयः किशोरावस्था को प्राप्त करके, बाल्यावस्था को जब प्राप्त कर गए, इसके बाद में जब पौगंड अवस्था में गए, 1 से 5 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है, और 6 से जो 10 वर्ष की अवस्था है उसको पौगंड अवस्था कहा जाता है। पौगंड, तो जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था को प्राप्त किए तो वे गाय चराना चाहते थे। गाय चराने के लिए उनको स्वीकृति मिल गई। पहले भगवान वत्सपाल, बछड़ों को चराते थे, वत्सपाल थे, लेकिन जब 6वें वर्ष में प्रवेश किए तो गोपाल बने। भगवान कब गाय चराना प्रारंभ किए तो बताया गया है गोपाष्टमी के दिन, उस दिन भगवान गोप बने। गोप का मतलब है, गो माने गाय और प माने पालन करने वाले। उस दिन से भगवान गाय को पालने वाले हो गए, गोपाष्टमी के दिन। उस दिन बुधवार था, बुधवार के दिन भगवान कृष्ण का जन्म भी बुधवार को हुआ है, और गाय चराना भी प्रारंभ किए हैं बुधवार को। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे गाय चराना, लेकिन बाबा नंद मैया यशोदा उनको गाय चराने के लिए अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि माता पिता जो होते हैं अपने पुत्रों के प्रति स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। तो भगवान भले भगवान हैं, लेकिन मैया यशोदा के लिए बालक ही हैं, छोटे बच्चे ही हैं, लड़के ही हैं। तो वो सोचती थी कि छोटा बच्चा है, कितना दूर तक गाय चराने के लिए जाएगा, कैसे चराएगा। तो जब भगवान कृष्ण को गाय चराने के लिए नहीं भेजना चाहते थे, तो जो बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, जो बड़े बड़े बछड़े हो गए थे, वो भी गायों के साथ में चराने के लिए नहीं जाना चाहते थे, और बछड़े भी जो हैं वो गायों के साथ में नहीं जाना चाहते थे। जो बड़े बछड़े हो गए थे बिल्कुल, वे भी चरना नहीं चाहते थे, अपने गायों के साथ, अपने माताओं के साथ में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भगवान के साथ में रहने से उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो इधर मैया यशोदा का इच्छा नहीं है कि हमारा बेटा गाय चराने के लिए जाए, बाबा नंद का इच्छा नहीं है कि गाय चराने के लिए जाए, लेकिन अब उन बछड़ों के कारण, उन बच्चों के कारण जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो कि गाय चरा सकते हैं, लेकिन वे भी जाना नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान कृष्ण को छोड़ करके अलग जाना चाहेगा, जो हमेशा साथ में रहता था, साथ में गाय चराते थे, साथ में घूमते थे, साथ में खेलते थे, लेकिन वे नहीं जाना चाहते हैं। तो बार बार भगवान कृष्ण मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया, मैं गाय चराना चाहता हूँ, आज मैं गाय चरायन जय हूँ, मैं आज गाय चराना चाहता हूँ। तो मैया कहे कि क्यों तुम गाय चराना चाहते हो, तुम बछड़ों को चराते ही हो, आनंद से बछड़ों को चराओ, बछड़ों के साथ में रहो। तो कहे नहीं, गायों के साथ में जाएंगे तो हमको थोड़ा दूर जाने को मिलेगा, और जब मैं दूर जाऊंगा तो अनेक प्रकार के वृक्षों को देखूंगा, अनेक प्रकार के पुष्पों को देखूंगा, थोड़ा और भी अच्छा अच्छा ये देखने को मिलेगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हों। मैं जब और दूर जाऊंगा, वृंदावन के क्षेत्रों में दूर तक जाऊंगा, तो अनेक प्रकार के जो फल हैं उसको अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके खाऊंगा। दूसरे के हाथों से दिया हुआ तो मैं बहुत खाता हूँ, बहुत लोग मुझको देते हैं, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं अपने हाथों से स्वयं परिश्रम करूँ। भगवान के स्वभाव में ही है, भगवान स्वयं परिश्रम करना चाहते हैं। माखन चोरी लीला में आप लोग सुने हैं कथा में कि भगवान कृष्ण, बहुत सुंदर भाव है कि गोपियों के देने पर या मैया यशोदा भगवान कृष्ण को खिलाती थी तो उससे वे प्रसन्न नहीं रहते थे, और सोचते थे कि मैं स्वयं जा कर के माखन की चोरी करूं। स्वयं माखन की चोरी करने के लिए भगवान जाते थे, कहते थे कि मैं अपने आप परिश्रम करके खाना चाहता हूं, आप लोगों के दिया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आलसी थोड़े हूं, मैं तो परिश्रम करने वाला हूं, और भगवान को परिश्रम ही प्रिय लगता है। जो परिश्रम करता है उसी पर भगवान प्रसन्न भी होते हैं, खुश भी होते हैं। स्वयं भी भगवान परिश्रम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और जो परिश्रम करता है उस पर प्रसन्न भी होते हैं। जैसे मैया यशोदा जब बांधना चाह रही थी तो भगवान जल्दी बंध नहीं रहे थे, लेकिन बहुत देर के बाद बंधे। स्वमातुः स्वेन गात्राया विस्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भगवान जब परिश्रम को देखे तो बंधन में आ गए। तो भगवान कहते कि मैया, मान लीजिए मैया पूछ रही है कि तुम क्यों जाना चाहते हो गाय चराने के लिए, तुमको क्या दिक्कत है यहाँ रहने में, यहाँ सारा सुविधा है, थोड़ी दूरी पर जाना है, आराम से बछड़ों को चरा करके आ जाते हो, खाने को हम लोग दे ही रहे हैं, तो तुम क्यों जाना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, मैया मैं गाय चरायन जाऊँ हूँ, मैं गाय चराना चाहता हूँ, क्योंकि वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खइहों वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खइहों। हे मैया, जब मैं वृंदावन में जाऊंगा तो वृंदावन में भांति भांति के अनेक प्रकार के फल हैं, उसको मैं अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके खाऊंगा। ऐसे तो मान लिया आपको जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे जो फल अच्छा लगेगा, अगर मन करेगा तो मैं आम खाऊंगा, मन करेगा तो अमरूद खाऊंगा, मन करेगा तो जो भी फल है उसको तोड़ तोड़ करके खाऊंगा। तो मैया कहती है कि अरे मेरे लाल, अरे बारे, बारे मतलब लाल होता है, ऐसी बात कहूँ जन बारे, ऐसी बात कहूँ जन बारे देखूँ अपनी भांति। हे मेरे लाल, हे मेरे बेटा, तुम इस तरह की बात मत कहो, मैं तुमको हमेशा अपने आँखों के सामने ही देखना चाहती हूँ। तुम मेरे आँखें के सामने रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और तुमको पता नहीं है कि तनक तनक पद चली हो कैसे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे दूर दूर तक चलोगे जाओगे, और तुम्हारा जो मुख कमल है कमल के समान है, तुम जब दूर जाओगे तुमको पता नहीं है कि गाय चराने में कितना मेहनत पड़ता है। जो गाय चराते हैं उनको अनुभव है, हम लोग भी देखे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा गाय नहीं चराया हूँ, लेकिन देखा हूँ कि लोग गाय लेकर के सुबह में जाते हैं, शाम हो जाता है, कहीं कहीं तो पानी पीने को नहीं मिलता है, धूप लगता है, बारिश होती है, ठंड लगता है, गाय चराना पड़ता है, गायों को बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उन लोगों को घास चाहिए, तो अगर नज़दीक में घास नहीं, कहीं कहीं बहुत जंगल में भीतर जाने के बाद में घास मिलता है। तो जो दक्ष चरवाहे होते हैं गाय को चराने वाले, वो उन जंगलों में लेकर के गायों को जाते हैं, कहीं कहीं झाड़ियों में, झाड़ियों को ऐसे करके भीतर गायों को घुसाते हैं, रास्ता बनाते हैं घास खाने के लिए। तो ऐसे करने में तुमको बहुत मेहनत पड़ेगा, और तुम्हारा जो मुख कमल है, जो बदन है, वह मुरझा जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, हमारी इच्छा है, मैं गाय चराना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। तो बार बार प्रार्थना करने पर, और विशेष करके बलराम जी भी मैया से कहे कि मैया तुम जाने दो, मैं हूँ ना, मैं कन्हैया को देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाई, मैं अपने छोटे भैया कान्हा को, कृष्ण को मैं देखूँगा। तब बार बार कहने पर, दूसरी बात है कि बच्चे भी जो बड़े बड़े ग्वाल बाल हो चुके हैं, गाय चराने लायक हो चुके हैं, वे भी जाना नहीं चाहते। मैं पहले ही बताया, वे लोग कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कृष्ण के बिना वे कहीं रहना नहीं चाहते हैं। तो इस बात को देख करके, अथवा जो बड़े बड़े बछड़े हो चुके हैं, जो गायों के स्तन को छोड़ चुके हैं, दूध पीना छोड़ चुके हैं, स्तन मुक्त हो चुके हैं, वे भी अब जाना नहीं चाह रहे थे। तो सभी लोगों के स्थिति को देख करके परमिशन मिल गया गाय चराने के लिए, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए, ततश्च इसके बाद वत्सपाल लीला के बाद, जो बछड़ा, एक दिन भी भगवान गैपिंग नहीं किए, ये नहीं कि बछड़ा चरा रहे थे, इसके बाद जब गाय चराना था तो दो चार दिन रेस्ट कर लिए, इसके बाद गाय चराना प्रारंभ किए। यानी ततश्च का मतलब है, ततश्च, ततश्च माने बछड़ा चराने के तुरंत बाद, विलम्ब नहीं किए, तुरंत ही गोपाल बन गए। वत्सपाल के बाद तुरंत गोपाल बने, देर नहीं लगाए। ततश्च का मतलब है इसके बाद भगवान क्या किए कि पौगंड वयः, पौगंड अवस्था को जब प्राप्त किए तो पौगंड वयः का अर्थ है अत्यधिक आनंद प्राप्त करने के लिए, अत्यधिक रस आस्वादन करने के लिए। भगवान को लग रहा था कि बछड़े पालन करने में उतना आनंद नहीं आ रहा है, और दूर जाऊंगा तो सुंदर सुंदर वन देखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर स्थान मिलेगा, खेलने को मिलेगा। तो अत्यधिक रस आस्वादन करने के लिए क्या किए कि भगवान पशुपाल सम्मतौ, पशुपाल सम्मतौ श्री बलराम जी के साथ गोचारण की इच्छा से श्री कृष्ण बालकों के साथ में अब गाय चराने के लिए जाते हैं। नंद बाबा मैया जसोदा सम्मति नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनको आदेश मिल गया है गाय चराने के लिए। सबके इच्छा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण, अब उनको आदेश मिल चुका है, वे क्या करते हैं कि गाश्चारयन्तौ तयोर गवाम एव पालने उक्तेपि पशुपाल सम्मताम विति तत्संगे महिष्यादि नामपि सर्व पशूनाम पालनापेक्षये सखिभि सममिति वत्स पानामेव सर्वेशा सहचरणानाम गोपालेन प्रवृत्ते। तो भगवान गायों के साथ में और भी पशुओं को चराते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। तब जब गाय चराने के लिए गए तो कैसे जा रहे हैं भगवान? जब गाय चराने के लिए जा रहे थे तो मैया कही कि बेटा तुम ऐसे मत जाओ, जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा, तुम क्या करो कि पादुका ग्रहण कर लो, चरण में चरण पादुका को पहन करके जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि नहीं मैया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो गाय हैं वे हमारी स्वामिनी है, और जो स्वामिनी है तो स्वामी के सामने सेवक को सज धज करके, स्वामी हमारे जूता चप्पल नहीं पहने हैं, पादुका नहीं धारण किए हैं, तो सेवक कैसे धारण कर सकता है? अगर आपको मुझे चरण पादुका देना है तो आप क्या कीजिए कि पशुओं को भी देना पड़ेगा। महाराज श्री बताते थे, बहुत सुंदर, पहले गांव में जब कथा करते थे तो कहते थे कि भगवान कृष्ण मान लीजिए मैया से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे चरण पादुका देना चाहती हो तो सारे गायों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, जब हमारी स्वामिनी पहनेंगी तब ना मैं सेवक हूँ धारण करूँगा। और दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान चरण पादुका क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्यों नग्न पांव जा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के दुख को भगवान समझ रहे हैं, पदई ही। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान का अवतार नहीं हुआ था तो पृथ्वी बहुत दुखी थी। ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के प्रार्थना की तो पृथ्वी के रोने से प्रभावित होकर के भगवान, बहुत रोई है पृथ्वी दुखी अवस्था में होकर के, तो उसके रोदन को सुन करके, उसके आंसू को देख करके भगवान प्रभावित होकर के ब्रज में नग्न पांव ही भ्रमण किए, क्योंकि चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, पादुका पहनेंगे तो भगवान का जो चरण चिन्ह है वह पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगी। और अगर भगवान का चरण चिन्ह नहीं दिखाई देगा, उसमें जो भी रेखा है वह नहीं दिखाई देगा, तो इस कारण से भगवान क्या किए कि नग्न पांव ब्रज में विचरण किए। वज्र अंकुश आदि जो भगवान का चिन्ह है, पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को आनंद प्रदान करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर ने नग्न पांव ही ब्रज में विचरण किया। तौ पौगंड वयः श्रितौ, वे दोनों मतलब श्री कृष्ण बलराम जब छठे वर्ष में प्रवेश किए ततः पशुपाल सम्मतौ बभूवतु, तब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। और च सखिभिः समं ब्रजे गाः चारयन्तौ, तथा वे अपने सखाओं के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में भगवान श्याम सुंदर गायों को चराते हुए वृंदावनम पदैः अतीव पुण्यम चक्रतु, वृंदावन को अपने चरण चिन्हों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा अत्यंत पावन बनाए, अतीव चक्रतो हो, वृंदावन को अत्यंत पवित्र किए, अत्यंत पावन बनाए। तन माधवो बेणु मुदीरयन वृतो गोपै गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् बिहर्तु कामकुसुमाकरं वनम्। तन्माधवो बेणुमुदीरयन् वृतो गोपै गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् बिहर्तु कामः कुसुमाकरं वनं बिहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम। स्वयसः गृणद्भिः गोपै वृतः, अपना यश गाते हुए गोपों से घिरे। स्वयसः गृणद्भिः गोपै वृतः बलः अन्वितः वेणुम उदीरयन्। बलराम जी के साथ में बलई, बलई माने बलराम के साथ में वेणुम उदीरयन, बंसी को बजाते हुए। कौन? जिनके जस को गोप लोग गा रहे हैं, गोपों से घिरे हुए भगवान हैं। वृंदावन में जब गाय चराने के लिए जा रहे हैं तो उस समय की स्थिति क्या है कि गोपों के बीच में घिरे हुए भगवान श्याम सुंदर अपने बड़े भैया बलराम के साथ में बंसी बजाते हुए पशुन पुरस्कृत्य माधव, भगवान पशुओं को आगे करके, अपने आगे आगे नहीं चल रहे, क्योंकि वे स्वामी मान रहे हैं कि ये सब हमारे स्वामिनी है, स्वामी है। कभी भी किसी व्यक्ति को अगर चलना चाहिए तो अपने से बड़े व्यक्ति के आगे नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा है। हमेशा पीछे रहना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई रास्ता नहीं जानता है, मार्ग नहीं जानता है, तो उस समय शिष्ट भाव में हाथ को जोड़ करके आगे जा करके रास्ता बता देना चाहिए। उस समय भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उस समय आगे जा करके रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन फिर जब ही मार्ग मालूम हो जाए तो पुनः पीछे हो जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण पशुओं को आगे करके पशव्यम कुसुम आकरम वनम बिहर्तु कामम आविशद, पशुओं के चराने योग्य पुष्पों की खान बने वन में, जहाँ पुष्पों की खान है और पशुओं के चरने लायक, जहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर चरने लायक घासें हैं, उसमें प्रवेश करके बिहर्तु कामम आविशद, खेलने की इच्छा से प्रवेश कर रहे हैं भगवान। अब वहाँ खेलना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। भगवान लक्ष्मीकांत, भगवान जो श्याम सुंदर हैं माधव, वृंदावन में आनंद प्राप्त करने के लिए पशुओं को आगे करके और खेलने की इच्छा से उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वेणुर मुदीरयन, वेणु को बजाते हुए, बंसी को बजा रहे हैं और बंसी बजाते हुए बड़े आनंद के साथ में प्रवेश किए। तन्मंजुघोषालिमृगद्विजाकुलं महान्मनः प्रख्यपयः सरस्वता बातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदधे। मंजुघोष अली, सुंदर गुंजार करते हुए भ्रमरो, उस वृंदावन में सुंदर गुंजार करने वाले भ्रमर हैं। भौरे, सुंदर कंठ वाले भौरे। मृग द्विज आकुलम, पशु पक्षियों से परिपूर्ण वह वृंदावन कैसा है? तो सुंदर भौरों से युक्त है और मृग द्विज आकुलम, पशु पक्षियों से परिपूर्ण है। महान मनः प्रख्यपयः सरस्वता, महात्माओं के मन के समान निर्मल जल वाले सरोवर युक्त। सतपत्र गंधिना वातेन जुष्टम, सतपत्र गंधिना, सतपत्र कमल को कहते हैं, कमलों की सुगंध वाले वायु से संयुक्त तत्निरीक्ष भगवान, उस वन को देख करके भगवान को रंतु मनह दधे, क्रीड़ा करने का इच्छा हो आया। उस वृंदावन को जब भगवान देखे, वृंदावन इसी वृंदावन को, हम लोग वृंदावन में ही बैठे हुए हैं, तो जब भगवान वृंदावन में प्रवेश किए, वह वृंदावन कैसा है तो महात्माओं के मन के समान निर्मल जल से युक्त और सुंदर, वहाँ पर भंवरे हैं, पशु पक्षी से युक्त। जब वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण देखे तो उस वन को देख करके ततः निरीक्ष भगवान, भगवान ततः निरीक्ष, भगवान श्री कृष्ण ने उसको देख करके, निरीक्ष का मतलब देखना, देखे जब तरंतु मनः दधे, उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, माने खेलने की इच्छा हुई। वहाँ पर देख करके निरीक्ष सर्वतः प्रसन्न दृष्टि प्रसन्नादिनाम दृष्टवा, यहाँ देख रहे हैं कि सब तरह से सभी पशु प्रसन्न हैं। जब यहाँ पर आए तो भ्रमर भी आनंद में हैं, पशु भी आनंद में हैं, यहाँ के मृग सब, हरिण आदि सबको देख रहे हैं तो सब प्रसन्न हैं। तो ऐसे सुंदर स्थान को देखते ही भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करने के इच्छा से युक्त हो गए। उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर्वत्र सुंदर आनंद युक्त सब कुछ दिखाई दे रहा है। भगवान रंतु मनोदधे, सर्वसमर्थ भगवान, जो सर्वसमर्थ भगवान हैं, वे क्या किए कि अपनी भगवता माधुर्य प्रकट करने के लिए, अपनी भगवता माधुर्य को प्रकट करने के लिए वे मचल पड़े। जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं भगवान हो करके भी भगवान को अब रहा नहीं गया इस वृंदावन को देख करके, उनको खेलने की इच्छा हो आई और वे मचल पड़े। अर्थात स्वयं भगवान में जो माधुर्य नहीं है वह वृंदावन में है। भगवान वृंदावन को देखते ही, वृंदावन के संयोग प्राप्त करते ही, वह वृंदावन से युक्त होकर के वे बड़े आनंद में हुए और उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। जब ही वृंदावन का संयोग प्राप्त हुआ तो उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हो गई, खेलने की इच्छा हो गई। जब ही देखे इस वृंदावन के इस तरह के प्रसन्न युक्त वातावरण को, यहाँ के पशु पक्षी सब आनंद में है, उसको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। यह है वृंदावन की महिमा। वृंदावन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर क्रीड़ा करना चाहते हैं, जमुना जल में खेलना चाहते हैं। जमुना का जल जो है निर्मल है और वृंदावन के जितने लता पता हैं सब, जैसे मान ले कोई कोई फल पुष्प होते हैं कि किसी किसी महीना में ही फलते हैं, किसी किसी महीना में ही फूलते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जिस समय यहाँ पर गाय चराने के लिए आए तो जो फल जिस महीना में फलने वाला नहीं था वो फल भी भगवान के सामने उपस्थित हो गया, पुष्प भी उपस्थित हो गया। ये है भगवान के संयोग की विशेषता, भगवान के दर्शन की विशेषता। वृंदावने तरुलता अद्भुत तहार का था, 12 मासे धरे फूल फल, 12 मास में फल फूल धारण करता है। क्योंकि भगवान की ऐसी महिमा है, वृंदावन की ऐसी महिमा है। यमुना जल निर्मल अंग करे झलमल, सुखे कृष्ण करे दर्शन। भगवान आनंद के साथ में दर्शन कर रहे हैं और यमुना जी भी प्रफुल्लित हैं भगवान श्री कृष्ण को देख करके। उनका सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, भगवान को देखने को मिल रहा है, भगवान कृष्ण सामने आ रहे हैं और यमुना जी प्रसन्न हैं, खुश हैं। भगवान अब उनके भीतर विहार करेंगे, उनके भीतर क्रीड़ा करेंगे, स्नान करेंगे, तो क्यों नहीं यमुना जी प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं वृंदावन के फल फूल प्रसन्न होंगे। सब खुश हैं, सब आनंद में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अब देखना, उसमें लीला करना चाहते हैं, क्रीड़ा करना चाहते हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लवाश्रिया फल प्रसूनो रुभरेण पादयो पृषक्षिखान्वेक्ष वनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। स आदि पुरुष तत्र तत्र भगवान श्री कृष्ण। स माने भगवान श्री कृष्ण, स का मतलब है कृष्ण। आदि पुरुष तत्र तत्र, उन आदि पुरुष ने जहाँ तहाँ अरु पल्लव स्त्रिया लाल लाल किसलियों की शोभा तथा फल प्रसून उरुभारेण, फल और पुष्पों के भारी भार से, शिखान वनस्पतिन अपनी शाखाओं से वृक्षों को, पादयो अस्पृशत वृक्ष चरणों को स्पर्श करते हुए देखा। मुदा स्मयन इव अग्रजम आह, तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब वृंदावन में प्रवेश किए तो भगवान क्या देख रहे हैं कि वृंदावन के जो पुष्प हैं, जो फल हैं, जिस वृक्षों में फल लगा हुआ है, जिन वृक्षों में पुष्प लगा हुआ है, वो पुष्प क्या कर रहा है कि झुक करके भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू रहा है। भगवान कृष्ण देख रहे हैं वे वृक्ष क्या कर रहे हैं, जिस जिस मार्ग से भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो वे वृक्ष पुष्प जो भी हैं वे झुक रहे हैं। और सुंदर सुंदर मंद मंद हवा चल रहा है, शीतल मंद सुगंध जुत चली रही त्रिविध समीर। तीन प्रकार के जो समीर हैं, शीतल है और बहुत तेज गति से नहीं बह रहा है, मंद मंद धीरे धीरे। तेज गति वाला हवा अच्छा नहीं लगता है, तो शीतल भी है, मंद भी, और सुगंध है, पुष्पों के जो गंध है उसको ले करके भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए वे हवा भी चल रहे हैं। और जो वृक्ष है इस प्रकार झुक रहा है जैसे मानो कि कोई प्रणाम कर रहा है, और वे वास्तव में भगवान के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब उसको देखे तो देख करके भगवान कहते हैं अपने बड़े भैया अग्रजम, मुदास्मयन इव अग्रजम आह। उन्होंने जब उस दृश्य को देखा, कौन? भगवान कृष्ण। तो भगवान क्या किए कि अपने बड़े भाई बलराम से कहते हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि हे भैया आप देख रहे हैं, आगे ये सब प्रसंग आएगा। भगवान कहते हैं देख रहे हैं ये वृक्ष आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वास्तव में वे वृक्ष भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, लेकिन भगवान अपनी प्रशंसा स्वयं कैसे करेंगे? अपनी प्रशंसा स्वयं तो करनी नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि ये वृक्ष आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वृक्ष अपने लाल लाल किसलियों पत्तों से युक्त थे। ज्यों ही श्री कृष्ण बलराम के लाल लाल चरणों को देखे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब चल रहे थे उनके चरण कमलों को देखे, उनका चरण जो लाल लाल था, तो झुक करके प्रणाम किए। वनस्पति, वनस्पति कहते हैं जो वृक्षों में श्रेष्ठ है, उसको वनस्पति कहते हैं। तो वृक्षों में जो श्रेष्ठ हैं उन्हें वनस्पति कहा गया। फल पुष्प आदि के भार से झुके हुए हैं, अर्थात नम्रतापूर्वक अपने शाखाओं द्वारा झुक करके श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहे थे। अपने प्रति किए गए वृक्षों के व्यवहार से भगवान बहुत प्रसन्न हैं और मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहे कि अपने प्रति किए गए व्यवहार को देखे तो भगवान सोचे कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं कैसे करूं। तो शिष्टाचार का नियम है कि बड़े भाई अगर सामने हो, पिता हो, गुरु हो, तो उनके सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण एक शिष्टाचार का नियम भी यहाँ सिखा रहे हैं। कहते हैं कि भैया आप देख रहे हैं ये आपके चरणों में कैसे झुक रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं कि देख रहे हैं ये हम मुझे कैसे प्रणाम कर रहे हैं। आजकल के लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी मान सम्मान आदर मिल जाता है तो समझ नहीं पाते, उन फूला नहीं समाते हैं। वे आनंद के साथ में, बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने बड़े जनों के सामने आकर के बखान करते हैं कि मैं यहाँ गया था, मुझे इतने लोग आदर किए। मैं वहाँ कथा किया, बहुत लोग सुन रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। ये सब अपनी प्रशंसा स्वयं करना अच्छा नहीं माना जाता है, नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं कि देख रहे वृक्ष कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। वास्तव में भैया वृक्षों के विषय में क्या कहा जाए। अहो और भगवान यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं, श्री भगवान वाच। पहले सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, कहते हैं अहो अमी देव वराम अर्चितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्तु पादाय शिखाभियात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्मयत्कृतं तमोपहत्यै तरुजन्मयत्कृतं। श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है परीक्षित, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहो देववरम, अहो आश्चर्य है, अहो आश्चर्य अर्थ में, हे देव श्रेष्ठ, अपने भैया से कह रहे बलराम जी से, हे देवों में श्रेष्ठ, आपकी प्रशंसा बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े देव लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं। अहो देववर, हे देव श्रेष्ठ, बड़े बड़े देवता आपके चरणों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो आपके चरणों में बड़े बड़े देवता लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन आश्चर्य है भैया, देखिए तो यह वृक्ष भी, ये वृक्ष भी, ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों में, सुमनः फलः अर्हणम उपादाय, ये वृक्ष अपने पुष्पों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा, जितना इनके पास में पूजा का उपकरण है, सामग्री है, उसको लेकर के किस प्रकार आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। वास्तव में इन वृक्षों का जीवन धन्य है। ये वृक्ष महान है, श्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि यत तरु जन्म कृत, ये तरु जीवन को प्राप्त किए हुए हैं, ये वृक्ष जोनी को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन आज यह वृक्ष जोनी वास्तव में तम से युक्त है, तम गुण से युक्त वृक्ष जोनी है, लेकिन इस तम को नाश कर लेंगे, क्योंकि आपके चरण कमलों में अपने जो फल है, अपने जो पुष्प है, उसको समर्पित कर रहे हैं। तो उस अपने तमोगुण के नाश के लिए शिखा भी नमनती, अपने चोटी, शाखाओं, डालियों के साथ में जितना इनके पास में जो जो वस्तु है उसको आपके चरणों में समर्पित कर रहे। इसके द्वारा निश्चित रूप से इनका तम जीवन जो है यह समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अपने इस जीवन को धन्य बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। देवता लोग तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन यह वृक्ष देख नहीं रहे हैं भैया, यह वृक्ष आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, देखिए तो सही। इस प्रकार भगवान इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान वृक्षों के व्यवहार से प्रसन्न हैं, खुश हैं। गीता जी में हम लोग सुनते हैं भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। उसमें चार चीज कहा गया है, फल, फूल, पत्ता और एक है जल। तो तीन चीज भगवान वृक्ष से ले रहे हैं। तो वृक्ष पर क्यों नहीं प्रसन्न होंगे भगवान, क्यों नहीं खुश होंगे। वास्तव में श्री भगवान वृक्षों के व्यवहार से बहुत संतुष्ट तथा प्रभावित हैं, क्योंकि आप लोग भागवत में सुने हैं, भागवत के दशम स्कंद के 22वां अध्याय में 32 से लेकर के 35 श्लोक, 32, 33, 34 और 35, चार श्लोक में वृक्षों की प्रशंसा किए हैं भगवान। ग्वाल बालों को बताते हुए कहते हैं कि देख रहे हैं, एताव जन्म साफल्यम देहिना मिह देहिसु प्राणई अर्थई धिया वाचा श्रेयम एवाचरे सदा। देखिए इन वृक्षों का जीवन कितना धन्य है कि जब इस रूप में रहते हैं तो फल देते हैं, जो उनके पास में बैठता है उसको छाया प्रदान करते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो ईंधन के रूप में काम आते हैं, जब इनको जला दिया जाता है तो कोयला के रूप में काम आते हैं, उनमें से जो गंध निकलता है वो भी काम में आता है। हमेशा वह दूसरे के उपकार के लिए ही होते हैं और कोई दूसरा उनको मारता भी है तो उसको फल देते हैं। वृक्ष कितने उपकारी हैं कि वृक्ष को अगर कोई फल लेने के लिए अगर पत्थर का कंकड़ का प्रयोग करता है तो उसके बदले में वो गाली नहीं देते हैं कि तुम हमको मार रहा है, वो ऐसा नहीं करते हैं। ऊपर से क्या करते हैं कि प्रेम से फल देते हैं, फल देते हैं। तो कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। वास्तव में इन वृक्षों का जीवन धन्य है। पत्रम पुष्पम फलम छाया मूलवल कलदारु भी गंध निर्यास भस्मास्ति तोकमयी कामान वितन्वते। इसलिए इन वृक्षों का जीवन धन्य है। अहो ऐसा वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम, सभी प्राणियों का यह जीवन है। मनुष्य को ले लीजिए, पशुओं को ले लीजिए, सबके लिए यह जीवन प्रदान करते हैं। पशु वहाँ जाते हैं तो उन लोगों को उसका पत्ता खाने को मिलता है, उसके नीचे बैठते हैं। जो मनुष्य होते हैं वे उसके फल को खाते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सभी जीवों के यह जीवन है, सबके इच्छा को, सबके सुख को प्रदान कराते हैं, आनंद को देते हैं। तो इस बात को यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं भैया, यह वृक्ष किस प्रकार आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और अपने सामग्रियों के द्वारा, अपने उपकरणों के द्वारा आपके चरणों में सेवा प्रदान करते हैं। फिर आगे चलते हुए भगवान श्री कृष्ण भंवरों की प्रशंसा कर रहे हैं। जो भंवरे हैं वृंदावन के, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ वृक्षों की प्रशंसा किए और भंवरों की प्रशंसा कर रहे हैं। एते लिनस्तवयसो खिल लोकतीर्थम गायन्तयादि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं बनेपि न जहन्त्यनघात्मदैवं। फिर एक बार पढ़िए। एते लिनस्तवयसो खिललोकतीर्थं गायन्तयादि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मोख्या गूढ़ं बनेपि न जहत्यनघात्मदैवम्। अनघ आदि पुरुषः, निष्पाप, अनघ माने निष्पाप, आदि पुरुष। एते अनिलह, ये जो भंवरे हैं, समस्त लोकों को पवित्र करने वाले। अखिल लोक तीर्थ, अखिल माने समस्त लोक को जो पवित्र करने वाला, जो आपका जस है उसको गा रहे हैं। अखिल लोक तीर्थम तव यशः गायन्तः, समस्त जीवों के, समस्त लोकों को पवित्र करने वाला जो आपका यश है, आपकी जो कीर्ति है, इसको नहीं देख रहे हैं भैया, ये भंवरे गा रहे हैं। ये जो भंवरे हैं ना, आपके जस को गा रहे हैं। आपका जस कैसा है? तो समस्त लोकों को पवित्र करने वाला है, समस्त लोकों को कल्याण करने वाला है। आपका जस साधारण नहीं है। आपके कीर्ति को अगर कोई गाएगा तो निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तव यशः गायन्तः। तव तो माने आपके यश को गा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। देखिए देखिए ये भौरे जो हैं किस प्रकार आपके यश को गा रहे था। वाले पूछे कि हमारा यश कैसा है भाई, तो कहे कि आपका जो यश है समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। आपके यश को कोई गाएगा तो निश्चित रूप से वह भगवत धाम को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए भगवान के यश को गाना चाहिए, अगर मौका मिले तो गाना चाहिए, सुनना भी चाहिए, केवल गाना ही नहीं चाहिए। गा वही सुन ही सदा मम लीला, ये साधु का लक्षण है। साधु को मौका मिले तो गाइए और मौका मिले तो सुनिए। जो जितना ही सुनता है, सबसे प्रथम भक्ति है सुनना। अगर कोई जितना प्रेम से सुना है तो निश्चित रूप से वो सुंदर गाएगा, और जो सुना नहीं है वो बढ़िया से गा नहीं पाएगा। इसलिए पहले तो सुनना ही चाहिए और सुन करके गाना चाहिए। तो यशः गायन्त, आपके यश को गा रहे हैं। अनुपदम भजन्ते, प्रत्येक पद जैसे जैसे आप चरण को रखते हुए चल रहे, देख नहीं रहे, आपके प्रत्येक पद प्रत्येक चरण के साथ साथ चलते हुए आपके यश को गा रहे हैं, आपकी कीर्ति को गा रहे हैं। प्रायः अमी भवदीय मुख्या मुनिगणा, प्रायः ये आपके भक्तों में प्रमुख मुनिगण हैं। ये कोई साधारण नहीं है। ये जो भौरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये कोई भौरे नहीं हैं, ये मुनिगण हैं, श्रेष्ठ मुनिगण हैं। जो बने गूढ़म अपि आत्मदैवम न जहति, मुनिगण है जो वन में छिपे हुए भी अपने आराध्य देव को आपको नहीं छोड़ते हैं। आप छिपे हुए यहाँ आए हुए हैं तो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि हमारे आराध्य इस जंगल में आए हुए हैं गाय चराने के लिए। तो आपको ये पहचान लिए हैं और पहचान करके आपके साथ साथ चल रहे हैं। हमारे स्वामी, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट आज इस जंगल में आए हुए हैं गाय चराने के लिए। तो आपके उस कीर्ति को, इस जस को गा रहे हैं, अपने सौभाग्य को धन्य कर रहे हैं। वास्तव में इनका जीवन, इनका सौभाग्य सफल है। अपने आराध्य देव माने अपने आराध्य देव कौन? आप। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा आपके साथ चल रहे हैं, गा रहे हैं। कीदृश यशः, माले पूछे कि कैसा यश है? तो अखिल लोक तीर्थ, भगवान का जो यश है कीदृश, कैसा जस है भगवान का? तो कह रहे हैं अखिल लोक तीर्थ। अखिल लोक तीर्थ माने अखिला नाम अधिकारा नाम पेक्षया सर्वेशामेव लोकानाम जीवानाम तीर्थम, समस्त जीवों का जो तीर्थ है। तीर्थ माने, तीर्थ का मतलब है संसार तारकम, संसार को तारण करने वाला, संसार को पार करने वाला। आपका जो यश है, आपके यश को कोई गाएगा तो इस संसार को पार कर जाएगा। तो पार करके कहाँ जाएगा? तो भगवत भक्ति, भगवत भक्ति को प्राप्त करके आपके चरण कमल को, आपके धाम को प्राप्त कर लेगा। आपका ऐसा यश है, आपकी ऐसी कीर्ति है। इसलिए भगवान के यश को गाना चाहिए। इसीलिए साधु लोग जो हैं हमेशा भगवान के यश को गाते हैं। गायंत, गाते रहते हैं। अनुपथम, पथी पथी भजनते अनुवर्तनते, माने देखिए गायंत माने आप जैसे जैसे चल रहे हैं, जैसे जैसे पैर को रख रहे हैं, प्रत्येक पैर के पीछे पीछे चलते हुए आपके यश को अनुपथम गायंत, पीछे पीछे चलते हुए गा रहे हैं। यश एव भजनते, आपके यश को भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। प्रत्येक पथ पर आपका यश गा रहे हैं और यश का ही भजन कर रहे हैं। हे आदि पुरुष, आप मुझसे, मान लीजिए भगवान कह रहे हैं कि आप आदि पुरुष हैं। तो वो पूछे कि मैं कैसे आदि पुरुष हूँ? आदि पुरुष तो तुम हो। मान लीजिए बलराम जी कहें कि तुम आदि पुरुष हो ना, मैं कैसे हूँ? ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, चिंतामणि प्रकर सद्वसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रविपालयंतम। लक्ष्मी गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो तुम आदि पुरुष हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आदि पुरुष हूँ। बलराम जी मान ले पूछे भगवान कृष्ण से कि मैं कैसे आदि पुरुष हो गया, कह रहे भैया आपको पता नहीं है, आप मुझसे पहले जन्म लिए हैं, आपका तो जन्म पहले हुआ है ना, आप श्रावण पूर्णिमा को जन्म लिए और मैं तो भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म लिया, ऐसे भी देखिए तो 8 दिन पीछे मैं जन्म लिया हूँ आपसे, तो मैं छोटा नहीं हुआ, आप आदि पुरुष हैं। इसलिए आपको ये लोग गा रहे हैं, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थनीय हैं, आप वंदनीय हैं। तो ये भौंरे आपके पीछे पीछे चल करके आपके जस को गा रहे हैं। आपका जस कैसा है तो समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। इसके बाद में अब इस पर बहुत भाव है लेकिन उतना बोलना नहीं है। इसके बाद आगे करते हुए कहते हैं, मोर हरिणिया और कोयल की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि देखिए ये किस प्रकार आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जस को गा रहे हैं। नृत्यत्यमे शिखिनैड्य मुदाहरिण्य कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमीक्षणेन सुक्तश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौ कसय्यान् हि सतां निसर्गः। नृत्यत्यमे शिखिनैड्य मुदाहरिण्य कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौ कसय्यान् हि सतां निसर्गः। निसर्ग का मतलब है स्वभाव, निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव। इड्य हे भैया, हे बलराम भैया, वास्तव में अगर कोई पूजनीय है तो आप हैं। इड्य का मतलब स्तुति करने योग्य अगर कोई है तो वो केवल आप हैं। अगर सबके वंदनीय कोई है तो कोई दूसरा नहीं है। प्रकारांतर से अपने को भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वंदनीय हूँ तो मैं हूँ। अगर पूजा करनी चाहिए तो मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सबका वंदनीय हूँ, पूजनीय हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। वास्तव में भगवान सबके प्रभु हैं, भगवान सबके आराध्य हैं, भगवान सबके ईश्वर हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इड्य भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। अगर स्तुति करने के लायक कोई है तो कोई दूसरा नहीं है। समय भी हो गया है, मैं जल्दी इसको समझता हूँ। अगर कोई प्रणाम करने के लायक है, योग्य है तो आप हैं। अमी सीखना नृत्यंती, देखिए आपको अपने घर आया देख करके, अपने घर आया देख करके ये मोर कितने आनंदित है। अपने घर आया आप आराध्य को देख करके कितने प्रसन्न हैं, किस प्रकार नाच रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, देखिए कितने अच्छे ये मोर हैं। कोई कोई तो मनुष्य लोग भी साधु को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कैसे मेरे यहाँ आ गया, कहीं रसीद बुक लेकर के तो नहीं आया है ना, कुछ रसीद लेकर के आया है, कहीं हमसे पैसा तो नहीं ना लेगा, वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये मोर कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं कि नाच रहे हैं। हरिणिया गोप्य इव मुदा ईक्षणेन, ये हरिणिया मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है। भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब कैसे गोपियों के ऐसे चर्चा करेंगे डायरेक्ट, तब इन हरिणियों के बहाना से गोपियों की चर्चा करें। अगर कोई किसी का याद कर रहा है तो बार बार उसकी चर्चा करता है। तो भगवान को यहाँ पर गोपियों की याद आ रही है, गोपियों का बखान करना है, लेकिन अब डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट बखान कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि च कोकिल गणा सुक्तैश्च, तथा कोकिल समूह, ये कोकिलों का समूह देख रहे हैं ना किस प्रकार कुहू 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 किस प्रकार कर रहे हैं, आपके सुंदर स्वागत में लगे हुए हैं। बनऊ कसह धन्य, वास्तव में ये वनवासी जीव, पशु पक्षी जीव हैं, ये सभी धन्य हैं, महान हैं। ही गृहम आगताय यहाँ सताम निसर्ग, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करते हैं। तो ये जितने पशु पक्षी आदि हैं ये सत्पुरुष हैं, कोई साधारण नहीं हैं। और आप जैसे आराध्य को देख करके, आप जैसे पूज्य को देख करके, आप जैसे स्तुति करने योग्य पुरुष को देख करके, आदि पुरुष को देख करके केवल नहीं ये प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आनंद का अनुभव करते हैं। नित्य वृंदावन में भगवान रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके एक पैर के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो वास्तव में आप लोग महान हैं जो कि वृंदावन धाम गिरिराज जी में बैठ करके भागवत पढ़ रहे हैं। जीवन उसी व्यक्ति का सार्थक है जो ब्रज में रह करके भजन भक्ति करता है, भागवत को पढ़ता है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है। यह मानव जीवन उसी को सार्थक कहा गया है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र है, वही तन धन्य है जिस शरीर को प्राप्त करके हम श्री कृष्ण के गुण को गाएं, श्री कृष्ण के जस को दूसरे के बीच में बताएं, तो यह मानव शरीर सार्थक हो जाता है। तो हम लोग प्रभुपाद की कृपा से इस कौन से जुड़े हुए हैं और इस तरह के कार्य में लगे हैं, भागवत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम लोगों का जीवन, आप सबका जीवन धन्य है। मैं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें ताकि मैं भी कुछ भगवान के विषय में समझ सकूँ। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।